फॉर वर्ड प्रोसेसिंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड 2010 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर। एडिटिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट। एडिटिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स मेकिंग सम करेक्शन इन द टेक्स्ट और मॉडिफाइंग इट्स कंटेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिटिंग करने के लिए इसमें हम करेक्शंस करते हैं और मॉडिफिकेशंस करते हैं। इसके लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एडिटिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिटिंग करने के लिए हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट को, डिलीट करते हैं टेक्स्ट को, कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, मूव करते हैं टेक्स्ट को, फाइनली रिप्लेस भी करते हैं टेक्स्ट को, अंडू एंड रेडू भी करते हैं। सिलेक्टिंग ए टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं? टू एडिट द टेक्स्ट वी फर्स्ट नीड टू सिलेक्ट इट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी होती है कि हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। क्लिक द माउस एट द स्टार्ट ऑफ द सिलेक्शन। माउस की मदद से हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। कीपिंग द माउस बटन प्रेस्ड ड्रैग द कर्सर ओवर द टेक्स्ट। माउस के कर्सर को ड्रैग करते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। स्टेप टू सिलेक्ट वर्ड डबल क्लिक। किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक करने से वो सिंगल वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। टू सिलेक्ट ए पैराग्राफ क्लिक एनी वे ऑन द पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ में कहीं भी हम क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। टू सिलेक्ट द टेक्स्ट एंटायर डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस ए ऑन द कीबोर्ड। अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट पूरी फाइल ही सिलेक्ट करनी है तो हम कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इंसर्टिंग टेक्स्ट। समटाइम्स वी नीड टू इंसर्ट ए वर्ड इन बिटवीन ए सेंटेंस, इंसर्ट ए लेटर इन ए वर्ड्स। कभी कभी हमें दो वर्ड्स के बीच में किसी टेक्स्ट को लिखने के लिए जरूरत पड़ती है, तब हम क्या करते हैं उन दो टेक्स्ट के बीच में कर्सर को लिखते हैं, वहाँ पर वर्ड को टाइप कर देते हैं तो वर्ड्स वहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। टू डू दिस क्लिक द प्लेस वे यू वॉन्ट टू इंसर्ट द टेक्स्ट एंड स्टार्ट टाइपिंग एट द बिलिंकिंग कर्सर। जहाँ पर हमें टेक्स्ट इंसर्ट करना होता है वहाँ पर हम पहले क्लिक करते हैं तो एक ब्लिंकिंग लाइन आती है कर्सर की, वहाँ पर हम जो भी वर्ड्स टाइप करेंगे वो वर्ड्स हमारा वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। द टेक्स्ट विल बी इन इंसर्ट। डिलीटिंग टेक्स्ट। टू डिलीटिंग ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द डिलीट की। तो हम उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम डिलीट की को प्रेस करते हैं। द सिलेक्टेड विल बी डिलीटेड फ्रॉम द पेज। जो हमारा सिलेक्ट वाला टेक्स्ट है वो हमारे पेज से डिलीट हो जाता है। इसके लिए हम शॉर्टकट की डिलीट की का यूज करते हैं, डेल की का। कॉपिंग टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम कॉपी या पेस्ट दो फंक्शन का यूज करते हैं। कॉपिंग ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज ए वेरी यूजफुल फीचर ऑफ वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए हम कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं। स्टेप टू सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपी। जिस टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करते हैं। क्लिक द कॉपी इन द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी का फंक्शन आता है, आपको सामने दिखाई भी दे रहा है। पोजिशन द कर्सर वे यू वॉन्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपी। इसके बाद हम कर्सर को वहाँ रखते हैं जहाँ पर हमें उस टेक्स्ट की कॉपी करनी होती है। क्लिक पेस्ट इन द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में से हम पेस्ट कमांड पर क्लिक करते हैं। द सिलेक्टेड विल बी कॉपिंग टू द न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन को सिलेक्ट वाला टेक्स्ट हमारा कॉपी हो जाता है। शॉर्टकट की कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। मूविंग टेक्स्ट कट पेस्ट। किसी भी टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम कट और पेस्ट कमांड्स का यूज करते हैं। टू मूव ए टेक्स्ट। स्टेप टू सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपी। सबसे पहले जिस टेक्स्ट को हमें कॉपी करना होता है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। क्लिक कट इन द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में से होम टैब में हम कट फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। पोजिशन द कर्सर वेयर यू वांट द टेक्स्ट टू बी कॉपी। जहाँ पर हमें वो टेक्स्ट चाहिए वहाँ पर हम कर्सर को रखते हैं। क्लिक पेस्ट पेस्ट इन द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। द सिलेक्टेड विल बी कॉपी टू द न्यू लोकेशन। सिलेक्ट वाला टेक्स्ट हमारे न्यू लोकेशन पर कॉपी हो जाता है। अब क्योंकि हम कॉपी और पेस्ट दोनों सिमिलर ही लग रहे होंगे, कॉपी से क्या होता है कि टेक्स्ट हमारा दोनों जगह होता है, ऑल्ड जगह भी और न्यू जगह भी। कट और पेस्ट से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट पुरानी जगह पर नहीं होता, पुरानी जगह से हट के वो नई जगह पर आ जाता है, न्यू लोकेशन पर।
शॉर्टकट की, इसके लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं। फाइन टेक्स्ट, सर्च फॉर रिक्वायर्ड वर्ड ऑफ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, हमें पूरे अपनी फाइल्स में से किसी भी वर्ड को सर्च करना हो तो हम फाइन टेक्स्ट कमांड का यूज करते हैं। स्टेप, क्लिक फाइंड इन द होम टैब एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप में हम होम टैब में फाइंड कमांड पर क्लिक करते हैं, एंटर द वर्ड यू आर सर्च, जो वर्ड हमें सर्च करना होता है उसको हम टाइप करते हैं, वर्ड ऑटोमेटिकली हाईलाइट द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, पूरी फाइल्स में वो वर्ड जहाँ जहाँ पर भी लिखा उसको वो हाईलाइट कर देता है। शॉर्टकट की फाइंड, फाइंड के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का यूज करते हैं। रिप्लेस द टेक्स्ट, समटाइम्स वी आल्सो नीड टू रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ ए वर्ड विद अनदर, रिप्लेस टूल इज वेरी यूजफुल इन सच केस, अगर हमें किसी एक टेक्स्ट की जगह दूसरा टेक्स्ट लिखना होता है पूरी फाइल्स में तब हम रिप्लेस फंक्शंस का यूज करते हैं। स्टेप, क्लिक होम टैब एडिटिंग ग्रुप, क्लिक रिप्लेस, होम टैब में एडिटिंग में हम रिप्लेस फंक्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक फाइंड वर्ड बॉक्स, एंटर द टेक्स्ट, इसमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये फाइंड वर्ड जहाँ लिखा है वहाँ पर हम जो वर्ड हमें चेंज करना होता है वो वर्ड लिखते हैं, क्लिक रिप्लेस विद बॉक्स, एंटर न्यू टेक्स्ट, रिप्लेस विद में जो हमें नया वर्ड चाहिए वो पर लिखते हैं, क्लिक रिप्लेस और रिप्लेस वर्ड, अगर हम यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो वर्ड जितनी जगह लिखा होगा उतनी जगह चेंज हो जाएगा, रिप्लेस वर्ड पर क्लिक करते हैं तो अगर रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो एक ही जगह चेंज होगा जहाँ पर हमारा कर्सर है। शॉर्टकट की, इस रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की मदद से भी इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। रिप्लेस के अंडू, अंडू कमांड इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन ऑन द डॉक्यूमेंट, अंडू कमांड का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट में लास्ट एक्शन को एग्जिट करने के लिए हम करते हैं। स्टेप, क्लिक अंडू कमांड इन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में हम अंडू कमांड पर क्लिक करते हैं, जो ये आपको एरो दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला ये हमारा अंडू कमांड का एरो है, शॉर्टकट की अंडू कंट्रोल प्लस जेड, अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड, अगर हम कोई टाइपिंग कर रहे हो हमसे गलती से कुछ लिखा गया है हमें जस्ट हमने अभी लिखा है तो हम एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस एच जेड शॉर्टकट की या फिर अंडू कमांड का यूज करते हैं। रेडो, रेडो कमांड यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन रीफॉर्मेटेड ऑन द डॉक्यूमेंट, यदि हमने गलती से अंडू कर दिया हमें वापस वही वाला फंक्शन चाहिए तब हम रेडो कमांड का यूज करते हैं। स्टेप, क्लिक रेडो कमांड इन क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में हम रेडो कमांड पर क्लिक करते हैं, जो हमें अंडू वाला था हमारा फर्स्ट एरो था, सेकंड वाला एरो है वो हमारा रेडो कमांड्स का है, शॉर्टकट की रेडो कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का कमांड यूज करते हैं हम रेडो कमांड्स करने के लिए।